हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। एनएचएम कर्मचारियों की 14वें दिन भी हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। लेकिन न सरकार झुकने को तैयार है और न ही कर्मचारी। फिर कैसे बनेगी सरकार और कर्मचारियों में बात, और कब तक बन पाएगी, या फिर बनेगी भी बातचीत या फिर नहीं बन पाएगी, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। प्रदेश में आए दिन किसी भी बात पर हड़ताल शुरू हो जाती है, फिर वो एनएचएम कर्मचारियों की हो या रोडवेज कर्मचारियों की या फिर आशा वर्कर्स की। लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली प्रदेश और सरकार इन हड़तालों पर कोई भी कदम नहीं उठा पाती, या फिर बोला जाए कि कुछ करना ही नहीं चाहती। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 14 दिनों से जारी है और हर बार की तरह इस बार भी सरकार मौन बैठी हुई है, और इसका नतीजा है कि एनएचएम कर्मचारियों की यह हड़ताल जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। यही नहीं, नहीं सरकार झुकने को तैयार है और नहीं एनएचएम कर्मचारी, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रेवाड़ी में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। जिले में 16 एम्बुलेंस है, सभी एम्बुलेंस के 36 चालक हड़ताल पर हैं। गर्भवती महिलाओं को बिना डिलीवरी वापस भेजा जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों को एम्बुलेंस सौंपी गई है। डिलीवरी विभाग, टीबी विभाग, सीपीआर, एमएमआर, वहीं भिवानी में भी एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुंडन करवाया। इतना ही नहीं, हड़ताल कर रही महिलाओं ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो वो भी मुंडन करवाएंगी, साथ ही आने वाले चुनावों में वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाएंगी। स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, सरकार हमारी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे भाइयों ने, पांचों ने मुंडन करवाया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम भी हमारा मुंडन करवाएंगे। 13,500 कर्मचारी हैं, तो 13,500 से अगर हम अपने एक परिवार का सदस्य परिवार से भी मांगे दे, 5 वोट तो हमारे हर बंदे के साथ हैं, क्योंकि कम से कम 5 की जनसंख्या तो हर परिवार, तो 1,00,000 के करीब वोट हो गए, तो 1,00,000 के करीब वोट हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, न कि हमें, सरकार देखे कि भी हम उनको वोट की चोट भी डाल सकते हैं। कच्चे कर्मचारियों का नियमित करना, सेवा सुरक्षा, 7वां वेतन आयोग, सेवा नियम संशोधन, सरकार कर्मचारियों के हित में लाख दावे करती है लेकिन पूरे करने के मामले में सारे दावे फेल हो जाते हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं और सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटम देने पर भी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा, मरीज लाचार है, लेकिन सरकार और कर्मचारी अपने अपने जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर ये हड़ताल कितने दिन और जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये हड़ताल और कितने दिन तक जारी रहने वाली है, और क्या इसको लेकर सरकार गंभीर भी है या फिर इस बात का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतने दिन हो जाते हैं हड़ताल पर बने हुए, कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, सवाल तमाम उठ रहे हैं। संवाददाताओं से तमाम अपडेट लेते हैं अलग अलग जगहों के। रेवाड़ी से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब तो एनएचएम कर्मचारी ये ऐलान कर चुके हैं, मुंडन भी कराएंगे, चुनावों का बहिष्कार भी कराएंगे, चल क्या रहा है ये सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच, इतने दिनों से हो क्या रहा है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एनएचएम हड़ताल का 14वां दिन है, और अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो ये हालात बद से बदतर हो गए हैं। खासकर असर जो है महिलाओं जो डिलीवरी पर, इस महिलाओं की जो डिलीवरी पर इसका फर्क पड़ा है,
साथ ही टीका करण नहीं हो पा रहा, जो जिले की तमाम जो पीएचसी है वो सब सभी पर पाले लटके हुए हैं। तो एक तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस सेवा है वो भी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। चालक अभी कल कहा गया था प्रशासन की तरफ से अभी रोडवेज के चालक वो जो है वो कार्य देखेंगे, लेकिन वो भी नाकाफी है, वो भी उन्हीं दुर्घटना में तो घायल हो रहे हैं, उन्हीं को ले जाने के लिए लगे हुए हैं। पूरी तरीके से एम्बुलेंस सेवा भी बदहाल है। अगर बात करें तो कर्मचारियों का कहना है कि वो किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो डिटर्मिनेशन के उनके लाइसेंस जारी करें या कोई और कदम उठाए, वो तब से मत नहीं होंगे। वो जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक वो हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। जी सुरेंद्र, वैसे में क्या कुछ स्थितियां बन रही है, क्योंकि दिन पर दिन परेशानियां बढ़ रही हैं, मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं, बातचीत का क्या कोई अभी तक ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा, या आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि कोई बातचीत होगी, कुछ समाधान निकलेगा? किसी को तो कम से कम बातचीत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अगर सरकार को चाहिए कि वो बातचीत करे, बातचीत के लिए बुलाए। कर्मचारी को सीधा सा एक आरोप है कि अगर अभी तक उनसे मुख्यमंत्री ने सीधी तक बात उनकी मांगों को गौर से देखा लग नहीं, अगर उन्हें बुलाया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनकी मांगों पर कुछ विचार किया जाए, आश्वासन दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटे। लेकिन सरकार ने उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया, किसी के लिए ये आक्रोश इन कर्मचारियों में बना हुआ है। चलिए जानकारी और भी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका सुरेंद्र, जो आपने हम तक जानकारी पहुंचाई। तमाम समस्याएं अभी आ रही हैं, एक तरफ कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों पर अडिग हैं, दूसरी तरफ सरकार शायद इस मसले पर इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन सिचुएशन जरूर गंभीर होती नजर आ रही है। हड़ताल से इतना हलकान जो अब हो रहा है उसका असर सरकार पर कितना पड़ रहा है और आम जनता पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता खासतौर पर वो विभाग जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चों हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना कि उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रही, कहीं कर्मचारी नहीं मिल रहे, लेकिन समाधान इसका कैसे निकलेगा? क्योंकि एनएचएम के कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारी मांगें जायज हैं, सरकार को सुननी ही पड़ेंगी, जबकि सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो इनकी जायज उचित मांगें थी वो मान ली गई हैं और अब की जो मांगें नाजायज हैं इसलिए एक्शन लिया जाएगा, सख्त कदम उठाया जाएगा। इससे पहले चार दिन पहले 4 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया जाता है, वापस आपको काम पर लौटना है। उस अल्टीमेटम का कुछ असर नहीं पड़ा, ना कोई 4 बजे से काम पर लौटा, स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, कोई काम पर अभी तक नहीं लौट रहा है। यानी कि दिन प्रतिदिन बीत रहे हैं लेकिन समाधान इसका नहीं निकल पा रहा है। अलग अलग हलकों में हालात यही नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा असर एम्बुलेंस पर पड़ रहा है, जिले में 16 एम्बुलेंस है और सभी एम्बुलेंस के 36 जो चालक हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। गर्भवती महिलाओं को बिना डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा है, रोडवेज कर्मचारियों को एम्बुलेंस सौंपी गई है। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर है उसमें डिलीवरी विभाग, टीबी विभाग, सीपीआर, आईएमआर, यानी कि सभी में ये सब चीजें हो रही हैं। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे से प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर संजय जी, आवाज मिल रही है? जी नमस्कार, हाँ मिल रही है आवाज। डॉक्टर संजय जी, अब 14 दिन हो गए हैं एनएचएम के कर्मचारियों को हड़ताल पर बने हुए, क्या हो रहा है सर? ये या तो बातचीत नहीं हो रही या वो नहीं समझ पा रहे, मतलब इतने दिन हो गए हैं, अब तो मरीजों की हालत बहुत खराब हो रही है। देखिए, ये विषय पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है टीवी चैनल पर भी और इन लोगों के साथ भी, कि एनआरएचएम की जो यूनियन है उस यूनियन से सरकार की पहले कई गौर की बात होकर के सब बातें फाइनल हो चुकी और यूनियन ने भी अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक ना करने का और आगे से कोई इस तरह की मांग ना उठाने का एफिडेविट भी दे रखा है। तो ये सारी बातें होने के बावजूद भी कुछ लोग फिर यूनियन से बाहर होकर के इस तरह की स्ट्राइक करके और सारी सेवाओं को ठप करना, लोगों को परेशान करना, इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन इतना साफ होने के बावजूद भी आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन बातचीत किसी विषय पे होगी ना, किसी मुद्दे पे होगी ना। देखिए, ये जो एनआरएचएम के कर्मचारी लगाए जाते हैं वो किसी मिशन के आधार पर लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं कुछ होती हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लोगों की भर्ती की जाती है, तो उनके नियम और सेवा शर्तें जो होती है उसी आधार पर लोगों को रखा जाता है, उसी आधार पर इनको पेमेंट दी जाती है। अब वो सब ना मान करके और हठधर्मिता अपनाना, बार बार आंदोलन करना, यूनियन के साथ भी ना चलना, ऐसे कुछ लोग करते हैं, मुझे लगता है ठीक नहीं है। और फिर भी इनको कोई समस्या है तो सरकार से भी बातचीत करने के लिए तैयार है।
नहीं तो डॉक्टर संजय जी, अभी तक 14 दिन में क्या कोई बातचीत नहीं हुई है? ये बात किस आधार पे करें ना, कौन करेगा बात? एक बार बात की है हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बात की है, लेकिन उसमें बात में जो जो ये बातें निकाल करके लेके आते हैं, उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मुद्दा नहीं रह जाता। जैसी बातें मैंने अभी आपको बताई है कि जो इनकी सेवा सकते हैं, जो नियम है, जो इनकी सैलरी है, उसी आधार पर होगी ना, जिस आधार पर इनको नियुक्त किया गया है। नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो होगा डॉक्टर संजय जी, अगर वो नहीं मान रहे हैं या फिर अपनी बातों पे अडिग हैं या वो जिद पकड़ के बैठे हैं, तो कुछ तो समाधान निकालना होगा। इससे आप देखिए, जनता मरीज कितने तो परेशान हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को बिना डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा है, छोटे बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, टीवी विभाग में किस तरीके की परेशानी आ रही है, ये भी समझना होगा। इसलिए सरकार ने इनको राष्ट्र चेतावनी दी है कि ये काम पर लौट आए, अगर नहीं आएंगे तो इनको निकाल करके नए लोगों की भर्ती की। सर, ऐसी चेतावनी तो पहले कई बार दे दी गई, 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया काम पर, तब भी नहीं लौटे। हम अपने कर्मचारियों के साथ सद्भावना रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बिना मतलब की हठधर्मिता अपनाएगा, बिना किसी कारण से स्ट्राइक पर जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप मानते हैं कि ये हठधर्मिता है? हाँ, और स्वास्थ्य सेवाओं को तो हम किसी के कारण से पैरालाइज नहीं कर सकते ना। मतलब आप मानते हैं कि ये सिर्फ हठधर्मिता है और उसी की वजह से बाकी के लोग भुगत रहे हैं? हाँ, सब जब बता दिया, उनको खुद को पता है, और खुद जो यूनियन है इनके एनआरएचएम की, उन्होंने खुद एफिडेविट दिया हुआ है तो स्ट्राइक नहीं करेंगे भविष्य के अंदर, और उनको भी पता है कि उनकी जो सेवा सकते हैं, उनके जो नियम है सरकार की, केंद्र सरकार की योजना के आधार पर उनको भर्ती किया गया है, तो उसमें पक्का करने की बात कहां से हो जाती है, हो ही नहीं सकता। तो आगे अब क्या आसार नजर आ रहे हैं डॉक्टर संजय जी, कब तक बातचीत या सफल हो पाएगी हड़ताल का? बहुत जल्दी इसी सप्ताह में आगे निर्णय लेकर के नई भर्ती अभी, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि इस हठधर्मिता या जो भी कह लें, या फिर आपसे जो तालमेल नहीं बैठ रहा है इन कर्मचारियों का, उसकी वजह से जनता भुगत रही है, मरीजों को बड़ी दिक्कतें आ रही है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, तो हमें कदम तो सरकार को सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, जनता को तो हम परेशान नहीं कर सकते, स्वास्थ्य सेवाएं को तो पैरालाइज नहीं कर सकते। एक बार सख्त कदम वो क्या होने वाला है, एक बार हमारे माध्यम से बता दीजिए, ताकि अगर कोई गुंजाइश हो तो शायद वो हो जाए। ये सख्त कदम मैंने बता दिया ना कि इन सबको हटा करके और नए कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी। ये कब तक की चेतावनी है सर? अपनी सेवाओं पर जो ये लोग अगर सेवाओं पर अपनी वापस नहीं आएंगे, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सरकार इनको हटा करके नए लोगों को भर्ती करेगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से। ये चेतावनी लागू कब से होने वाली है? ये जल्दी ही शीघ्र, ये निकाल दिया है, पत्र निकाल दिया है और शीघ्र इसको लागू कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय जी। बहुत जल्द अगर वापस से मांगे पर ऐसी अडिक रहे, अगर हड़ताल अडिक रहे ये लोग, तो बहुत जल्द कहा जा रहा है कि कोई सख्त कदम सरकार उठा लेगी। हालांकि इससे पहले भी बड़ी सख्ती दिखाई गई थी, असर कितना हुआ वो हमने देखा, अब आगे क्या होगा, एक्शन प्लान, उस पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।